दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज बात करेंगे स्मार्ट रिमोट की। आपके पास एंड्रॉइड टीवी है और बहुत सारे लोग चाहते हैं यार जो मेरे पास फिजिकल रिमोट है ना, जो टीवी का रिमोट है उसको मैं यूज ना करूं, मेरा जो स्मार्टफोन है उसमें मैं रिमोट डाल लूं, वही स्मार्टफोन रिमोट की तरह मेरे एंड्रॉइड टीवी से इंटरेक्ट करे और मेरे स्मार्टफोन से ही मैं सारा का सारा टीवी कंट्रोल कर लूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने एंड्रॉइड टीवी को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। तो दोस्तों मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि अपने स्मार्टफोन को कैसे एज ए स्मार्ट रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो गूगल प्ले स्टोर पे हजारों एप्लीकेशन है जो एज ए स्मार्ट रिमोट काम करती हैं, बट वहाँ पे आपको एड्स या पेड होती हैं तो वो उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। मैं आपको बताऊँगा टोटली फ्री और जो ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप है कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से बताऊँगा कैसे स्मार्टफोन में ऐप से आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये है स्मार्ट टीवी जो कि 55 इंच का है और ये एंड्रॉइड टीवी है दोस्तों, और आपके पास ये फिजिकल रिमोट होगा बट आप नहीं चाहते कि अरे मैं फिजिकल रिमोट से काम करूं। दोस्तों हमारे पास है ये स्मार्टफोन और इसमें हम देखेंगे कौन सी ऐप है जो आप इजीली मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट बना सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं जो पेड हैं और कुछ फ्री हैं, बट उनमें जो है ना आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बार बार एड्स आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी ऐप जो ऑफिशियल हैं और अपने टीवी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहली ऐप। तो दोस्तों सबसे पहले है पहली ऐप्स और जिसमें हम जाएंगे आपको डाउनलोड करना है गूगल होम ऐप। जो गूगल होम ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे और गूगल होम ऐप का कुछ यूजर इंटरफेस ऐसा आएगा। अगर किसी का ये लाइट वगैरह नहीं होती तो ये स्मार्ट होम का है। तो दोस्तों इसमें आपको ये दिख रहा होगा बेडरूम टीवी, तो ये कैसे आएगा? अगर सपोज यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना होगा, जो अपनी वाईफाई है वो वाईफाई उसी नेटवर्क पर कनेक्ट करेंगे जिस नेटवर्क पर टीवी कनेक्ट किया है। दोस्तों सिमिलर वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए, वाईफाई नेटवर्क अलग नहीं होना चाहिए, तो वरना यहाँ पे ये नहीं आएगा। आपका स्मार्टफोन भी सिमिलर वाईफाई नेटवर्क पे होना चाहिए और टीवी भी उसी से कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है बेडरूम टीवी, तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों नीचे की साइड जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ओपन रिमोट। जब ओपन रिमोट ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख लिए ये रिमोट आ गया। जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे आप सामने टीवी देख रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, तो ये ऑफिशियल है। इससे वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये देखिए वॉल्यूम कॉर्नर में आप देख। अब हम इससे स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये हो गया है ऑफिशियल रिमोट। यहीं से गूगल वॉइस असिस्टेंट ये चला सकते हैं, होम पे जा सकते हैं। अब ये बैक करना है तो बैक कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा होम पे आ गया है। यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। तो दूसरी एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, एक तो हो गई गूगल होम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन की हम बात करते हैं वो है गूगल टीवी। तो गूगल टीवी आप इंस्टॉल कर लीजिए और ऐसा ही यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको जब आप आएंगे, यहाँ टीवी रिमोट का ऑप्शन नीचे साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे टीवी रिमोट का ऑप्शन करेंगे और ये भी टीवी रिमोट ऐसे ही आ गया। देखिए ये भी बिल्कुल प्रॉपरली वही कनेक्ट हो रहा है। तो इतना सिंपल है टीवी रिमोट। होम पे जाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। बट ये सेम वाईफाई पे आपका मोबाइल भी कनेक्ट होना चाहिए और टीवी भी सेम वाईफाई नेटवर्क पे होना चाहिए, अलग अलग करोगे तो नहीं आएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था। तो अभी मैं आपको कंट्रोल करके दिखा देता हूँ। ये जॉयस्टिक मोबाइल से ही चल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रॉपर चल रहा है। ये ले सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यह ऑफ हो गया, इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी पता लग जाए कैसे अपने स्मार्ट टीवी को आप स्मार्ट फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।